इसी के अलावा दोस्तों, हमारे अकाबरीन मरकज़ निज़ामुद्दीन से हमें ये बार बार हिदायत कर रहे हैं कि निज़ाम को टूटने ना दिया जाए, काम जारी रखा जाए, अपने बच्चों की तालीम पर भी ध्यान दिया जाए और इस दावत व तबलीग का जो काम है जिसके ज़रिए से खानकाहें, मस्जिदें, मदारिस आबाद रहते। है जिस काम को जो मकाम देना है, जिस काम की जो हैसियत है, वो हैसियत देकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। सुन्नत को सुन्नत समझो और मुस्तहब को मुस्तहब समझो, फर्ज को फर्ज समझो। तबलीगी काम का जो मकाम है उसको उसी दर्जे से जानो। इसे तुम काम समझकर मदारिस की बेइज्जती ना करो, उलमा की बेइज्जती ना करो, अकाबिरीन से कत्ते ताल्लुक ना करो, अकाबिरीन से अपना रिश्ता ना तोड़ो, खानकाहों से अपना रिश्ता ना तोड़ो। हमारी भीख सिर्फ यही है, काम अपना करो, 4 महीने जाओ, चिल्ला जाओ, जिंदगी लगाओ, लेकिन खानकाह की तौहीन ना करो, बुजुर्गों की तौहीन ना करो, उलमा की तौहीन ना करो। ये ना कहो कि बयानों से क्या होता है, ये ना कहो जुमा से क्या होता है, ये ना कहो दम हमारे दम से मदरसे जिंदे हैं, हमारे दम से खानकाह जिंदे हैं। हम बच्चों को ना भेजे ये मदरसे का मोहतमिन भीख मांगे, हम ना भेजे खानकाह के अंदर वली किसको जो है जरबे ला इलाहा इल्लल्लाह लगाए। हजरत मौलाना इलिया साहेब रहमतुल्लाही अलैह आए हुए, 100 साल हुए, 100 साल से पहले खानकाह किसके दम से जिंदा थी? 100 साल के पहले क्या मदरसे नहीं थे? क्या 100 साल के पहले मकातिब नहीं थे? क्या 100 साल के पहले जिक्र के हलके नहीं लगते थे? क्या 100 साल के पहले जुमा के खुतबे नहीं होते थे? क्या 100 साल के पहले दरसे कुरान, क्या दरसे हदीस नहीं हुआ करता था? उस वक्त कौन सी तबलीगी जमात थी जो इन मदरसों को, जो इन खानकाहों को, इन मस्जिदों को जो है पेट्रोल फराहम किया करती थी और अफराद को दिया करते थे?